फिफ्थ क्वेश्चन फ्रॉम क्लास 7 क्विज इज ट्राइंगल एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल विद एंगल सी 90 डिग्री, एसी इज 5 सेंटीमीटर, देन फाइंड एबी। ठीक है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है, दो साइड्स इक्वल होनी चाहिए, एक साइड ये वाली गिवन है, ये वाला एंगल 90 डिग्री हो तो इस एंगल के सामने वाली साइड तो इक्वल होगी नहीं क्योंकि ये 90 का है। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा क्योंकि इस एंगल के ये वाली साइड इक्वल होगी और इस एंगल के सामने वाली ये वाली साइड होगी इक्वल, तो दोनों की आ जाएंगी 5 सेंटीमीटर। ठीक है, 90 के सामने, अब 90 के सामने वाली कौन सी साइड होती है, हमेशा हाइपोटेन्यूज, तो एबी का स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, अदर टू साइड्स के स्क्वायर के, वो आ जाएगा 25 + 25 जो कि आ जाएगा 50 एबी स्क्वायर। तो एबी किसके इक्वल आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 50 विच विल बी इक्वल टू 5 × 5 × 2। राइट, तो ये 5 तो एक बाहर आ जाएगा क्योंकि पेयर में है, लेकिन 2 पेयर में नहीं है तो वो अंदर ही रह जाएगा, तो आपका एक बी जो साइड थी वो किसके इक्वल आएगी, 5√2 के, जो है हमारे ऑप्शन ए में। दैट्स इट।